नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने वंदे स्लीपर, वंदे भारत ट्रेन्स की लॉन्चिंग और वंदे मेट्रो ट्रेन की खुशखबरी पाई है। आज की वीडियो अमृत भारत ट्रेन को लेकर के एक बड़ी खुशखबरी लेकर के आई है। आप लोगों के सवाल रहते थे कि अमृत भारत ट्रेन को लेकर के क्या हो रहा है, तो वही आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अमृत भारत ट्रेन को आम आदमी की वंदे भारत कहना गलत नहीं होगा। ये ट्रेन एक आम ट्रेन की तरह ही चलती है, लेकिन इसके कोचेस के अंदर वंदे भारत जैसी फैसिलिटीज है, इसलिए टिकट लगता है आम ट्रेन की तरह, लेकिन अच्छी फैसिलिटी और कंफर्ट मिलता है इस ट्रेन के अंदर। आज देश में दो अमृत भारत ट्रेनें चल रही हैं जो कि कामयाब रही हैं। तो बजट में तय हुआ था ऐसी 50 अमृत भारत ट्रेनें आने वाले भविष्य में बनने वाली हैं, तो उसके ऊपर एक बड़ी न्यूज आ चुकी है। अमृत भारत ट्रेन के कोचेस की बनाने की शुरुआत हो चुकी है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, RCF कपूरथला में, और इस बात पर मुहर लगा दी है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज रवनीत सिंह बिट्टू जी ने, जो 11 सितंबर को RCF कपूरथला पहुंचे और वहां जाके उन्होंने इनॉग्रेट किया अमृत भारत ट्रेन कोचेस के मैन्युफैक्चरिंग का। तो अब अमृत भारत ट्रेन के कोचेस का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुकी है RCF कपूरथला में जोरों शोरों से, तो आने वाले दिनों में जल्द ही ट्रेन देखने को मिलेगी। ये एक ऐसी ट्रेन है जो कि पुशपुल टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है, मतलब इसके अंदर दो इंजन, दो लोकोमोटिव लगते हैं, एक फ्रंट में लगता है जो कि फॉरवर्ड पुलिंग करता है और एक बैकवर्ड में भी लगता है सबसे पीछे, ये भी आगे की तरफ ही पुल करने के लिए हेल्प करता है फ्रंट वाले इंजन को। तो दोनों मिलकर के ज्यादा हॉर्स पावर के एक बढ़िया ट्रेन सेट लाइक फील देते हैं। अब इन लोकोमोटिव्स का प्रोडक्शन जो है वो अलग से हो रहा है BLW में, जो कि मैं बहुत पहले आपको बता चुका था, इसके लिए टेंडर भी निकले थे। BLW बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, जिसको पहले हम DLW कहते थे, आज वो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाता है और BLW के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर WAP5 लोकोमोटिव जो कि पुशपुल टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग तैयार हो रहे हैं। तो इस तरीके से कोचेस यहाँ और लोकोमोटिव वहाँ, और जब ये मिल जाएंगे तो एक ट्रेन तैयार हो जाती है आसानी से। साथ में ही रवनीत जी ने यहाँ पर इंस्पेक्शन किया वंदे मेट्रो कोचेस का। जी हाँ दोस्तों, ये भी बनाए जा रहे हैं, इसका मतलब आने वाले दिनों में और भी वंदे मेट्रो देखने को मिलेंगी। और यहां पर RCF कपूरथला तो 16 कोच की वंदे मेट्रो बनाती है, कि अगली भी ऐसी ही होगी ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन हां, वो इस कोच में जहां पे खड़े हुए हैं, ये वंदे मेट्रो का कोच है और ये नया है, इसका मतलब और भी वंदे मेट्रो का प्रोडक्शन लगातार चल रहा है RCF कपूरथला में। तो काफी सारी जानकारी मिल जाती है एक विजिट से प्रोडक्शन यूनिट के अंदर, और एक बहुत ही बड़ा कीर्तिमान भी यहां पर रचा है RCF कपूरथला ने। 45,000वां कोच यहां पर उन्होंने बनाया, इसका यहां पे सेलिब्रेशन भी हुआ है हाल ही में। तो दोस्तों, आई होप आप लोग आश्वस्त हो गए होंगे इन ट्रेनों के प्रोडक्शन की जानकारी पा करके, क्योंकि अब सभी ट्रेन्स की जानकारी हम लोगों तक आ चुकी है। वंदे स्लीपर के साथ क्या हो रहा है, वंदे मेट्रो के साथ क्या हो रहा है, और वंदे भारत ट्रेन्स, और अब आखिर में अमृत भारत ट्रेन्स के साथ क्या हो रहा है। सारे प्रोजेक्ट बिल्कुल लाइन पर आ चुके हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स इन पर काम करना शुरू कर चुकी हैं। ICF ही नहीं, आज RCF भी वंदे मेट्रो, वंदे भारत कोचेस को बना रही है, और अब तो BEML जैसी PSU भी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी रखते हैं स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को बनाने की। तो भारत में हो रहे रोलिंग स्टॉक के मार्केट में काफी चेंजेस को जानने के लिए जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इन सभी ट्रेन की जानकारी लगातार आप लोगों को मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।